भारत के लिए एक बड़ी डिप्लोमेटिक जीत देखने को मिली है। कतर ने जिन 8 भारतीय नौसेना के पूर्व कर्मियों को मौत की सजा सुनाई थी उन्हें रिहा कर दिया गया है। इससे पहले भारत के हस्तक्षेप के बाद मृत्युदंड को एक लंबी जेल की अवधि में बदल दिया गया था। कतर ने जब भारतीय नेवी के पूर्व सैनिकों को फांसी की सजा सुनाई थी तो पूरा देश इनके लिए चिंतित हो गया। इनके परिजनों की ओर से रिहाई और सुरक्षित वापसी की गुहार लगाई जा रही थी। विदेश मंत्रालय की ओर से तब आश्वासन दिया था कि वो सभी राजनयिक चैनलों का इस्तेमाल करेगा और इन्हें कानूनी सहायता की व्यवस्था देगा। विदेश मंत्रालय ने सोमवार को यानी आज एक आधिकारिक बयान में कहा है कि 8 पूर्व नौसेना अधिकारियों में से 7 भारत वापस आ चुके हैं और इन 7 भारतीयों में नवतेज सिंह गिल, सौरव वशिष्ठ, पूर्णेन्दु तिवारी, वीरेंद्र कुमार वर्मा, सुगुनाकर पकाला, संजीव गुप्ता, अमित नागपाल और रागेश शामिल हैं। केंद्र सरकार की ओर से एक आधिकारिक बयान जारी किया गया। इसमें इन पूर्व अधिकारियों की रिहाई के फैसले का स्वागत किया गया और बयान में कहा गया कि भारत सरकार द्वारा दाहरा ग्लोबल कंपनी के लिए काम करने वाले 8 भारतीय नागरिकों की रिहाई का स्वागत करती है जिन्हें कतर में हिरासत में लिया गया था। वहीं इन अधिकारियों ने भारत लौटने पर भारत माता की जय के नारे लगाए और अपनी खुशी जाहिर की। Let's have 3 cheers for India. Hip hip, hooray! Hip hip, hooray! Hip hip, hooray! भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। थोड़ा सा आगे। Thank you. I mean, let us get into this mood. Let this feeling sink in. Let this. यहाँ के वाकई बहुत खुशी हो रही है कि वापस इंडिया पहुंच गए हम सेफ एंड साउंड और डेफिनेटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन से ये पॉसिबल हुआ और गवर्नमेंट ऑफ कतार के हिज एक्सेलेंसी द अमीर को कि उन्होंने ये होने दिया एंड बस यही बोलना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच। विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी इट वुडंट बी आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते अगर इंटरवेंशन नहीं होता एट दैट लेवल हाईएस्ट लेवल एंड स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनके अथक प्रयास से कि वो कंसिस्टेंटली लगे रहे एंड वी आर देयर इन फ्रंट ऑफ। बस ये कहना चाहेंगे कि ये वाले दिन का हम बहुत दिनों से वेट कर रहे थे और प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनका पर्सनल इंटरवेंशन, उनका इंटरेक्शन और एक और मौका लेना चाहता हूँ कि थैंक करूंगा अमीर को कतर के जिनके उनके इंटरेक्शन के कारण आज हम यहाँ खड़े हैं जिस दिन का हमें बहुत बेसब्री से इंतजार था। आपको बता दें कि अलदेहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज और कंसल्टेंसी सर्विसेज के साथ काम करने वाले पूर्व भारतीय नौसैनिकों को भ्रष्टाचार और जासूसी के एक मामले में कथित रूप से शामिल होने के लिए गिरफ्तार किया गया था और भारत सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया और कतर के साथ बातचीत कर उन्हें कानूनी मदद दी गई। 26 अक्टूबर को कतर की एक अदालत ने इन 8 भारतीय नागरिकों को मौत की सजा सुनाई जिन्हें अगस्त 2022 में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि न तो कतर एडमिनिस्ट्रेशन और न ही भारत सरकार ने ही उन अधिकारियों के खिलाफ आरोपों को सार्वजनिक किया। जब मौत की सजा की खबर ने वैश्विक सुर्खियां बटोरी तो भारत ने फैसले को चौंकाने वाला बताया और इस मामले में सभी कानूनी विकल्प के साथ जाने का फैसला किया था। बीते साल 1 दिसंबर को दुबई में COP28 शिखर सम्मेलन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी के बीच बैठक के बाद पूर्व नौसैनिकों की सजा को कम किया गया था। कतर अमीर के साथ अपनी मुलाकात में पीएम मोदी ने पूर्व अधिकारियों का मुद्दा उठाया था। पूर्व नौसैनिकों के मुद्दे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी उनके परिवार के सदस्यों से मुलाकात की थी और उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया गया था और अभी ये पूर्व नौसैनिक सभी जो कि रिहा कर दिए गए हैं जिसमें से 7 भारत वापस आ चुके हैं।